इस एरिया में टेंट लगा था मम्मी और का शादी के टाइम पे, सच है। ये नारियल है, इसको सुखा के छोटे छोटे पीस करके यहाँ पे तेल निकलता है। कैसा रहेगा अगर मैं यहाँ पे किसी लड़की से शादी करूँ तो? बहुत बेकार रहेगा। तो एक दूल्हा दूल्हा भी तो होंगे, सारे मिलाके दूल्हा दुल्हन सब कुछ मिलाके दुल्हन भी थी। और हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मेरे सारे मेरी मम्मी और मेरी बहन तनीषा, और ये मेरी नानी का पुराना घर और ये नया घर। अब यहाँ पे थोड़े पौधे वगैरह उग चुके हैं, कबाड़ वगैरह बारिश की वजह से। और अभी हम जा रहे हैं खेतों में ड्रोन उड़ाने के लिए, क्योंकि आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत टाइम से बारिश हो रही है यहाँ पे। और मैंने सुना है कि इस एरिया में टेंट लगा था मम्मी और का शादी के टाइम पे, सच है? उस समय घर था, तो ये कुछ छोटी सी गलियां हैं। इस गांव का नाम क्या नाम था गांव का? कल्लम बल्लम मुल्लरंग कोड। हमारा कल्लम बल्लम के अंदर मुरलम मुल्लरंग कोड, मुल्लरंग कोड आता है वो है। अब थोड़ा प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्या करें ना, करो ना। अच्छा, ये सामने रबड़ के वो लगे पेड़। इस ब्लैक से जो कप टाइप बना हुआ है इसमें पूरा रबर स्टोर होता है, पर बारिश का टाइम है इसलिए इसको उल्टा करके रखा हुआ है ताकि पानी इसमें इकट्ठा ना हो। जब पूरी प्रॉपर तरह से बारिश रुक जाएगी फिर उस पर कट लगा देंगे पेड़ पे, तो उसमें पूरा स्टोर हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके, एक एक बूंद करके इसमें स्टोर होता है पूरे कप में। और यहाँ पे याद ही होगा, यह है यहाँ का तालाब। पानी गंदा क्यों है? गंदा नहीं है पानी, ऐसे बारिश में गंदा। पिछले साल चप्पू ने कहा था उसकी मम्मी डूब गई थी यहाँ पे। यहाँ पे मेरी मम्मी डूब गई थी। किस तरह? ये नहीं पता, बस ये पता है डूब गई थी। बचाई किसने भी नहीं पता मेनू। किसने बचाया? गिर गए थे साथ सारे बच्चे खेलते थे, कोई ना कोई बचा दिया। ये नारियल है, इसको सुखा के छोटे छोटे पीस करके, और फिर ये छोटे छोटे पीस है, और यहाँ पे तेल निकलता है, और ये तेल इसके अंदर स्टोर कर रखा जो एक्स्ट्रा पड़ा है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, और रास्तों में आते हैं खेत, काफ़ी हरे भरे हैं। वैसे अगर किसी ने लास्ट वीडियो देखी होगी मेरी, मतलब कि लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो डाली थी केरला विलेज लाइफ, तो उसमें भी वहीं जा रहे थे मंदिर, तो कुछ ऐसा सा व्यू है। इस बार जो ग्रीनरी है थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि बारिश का टाइम है। जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उससे बारिश स्टार्ट ही हुई थी, और वही है कि ग्रीनरी थोड़ी कम हो गई है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। पर इस बार ग्रीनरी एकदम अच्छी लग रही है क्योंकि बारिश का टाइम है, और वैसे बारिश खत्म होने वाली है कुछ टाइम, प्रॉपर गर्मी आ जाएगी अब यहाँ पे, क्योंकि लास्ट मंथ है मानसून का। अभी कोई रिलेटिव आ गए हैं तो वापस जाना पड़ रहा घर, बाकी जब टाइम मिलेगा शाम में फिर वापस जाएंगे मंदिर, क्योंकि एक साल बाद आया ना। ये केरला के देसी केले हैं जो कि हर घर में लगे होते हैं, और ये अंगूठे के साइज जितने होते हैं, और सबसे ज़्यादा महंगे भी यही है। इसके बाद रेड केले होते हैं। हाय चेची। हाय मोने। ओ क्या YouTube में डालने के लिए? अच्छा हाँ, टाटा। कल हम निकले तो मंदिर के लिए थे, पर बारिश आ गई थी तो हम गए नहीं, और आज जा रहे हैं पर दूसरे मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि जिस मंदिर में कल जा रहे थे उसमें मम्मी पापा सुबह जाके आ गए, तो भी ये जा रहे हैं सब आगे। वहाँ पे भी नानी पहले से ही है, पूजा कर रहे होंगे। तो हमारी नानी जी अकेले काम करते हुए, कोई नहीं बाकी यहाँ पे, कोई और नहीं यहाँ पे अभी, क्यों? कोई नहीं है, रोज अकेले काम करते हो? महीने में एक बार ही ज्यादा लोग, कभी कभी आते हैं। ये तो बहुत सारे हैं। नानी तो अपना काम कर रही है, तो मम्मी अपने रिलेटिव्स के पास लेके जा रही है,
या सब रिलेटिव का जो घर है सबके पास पास ही है, दूर कोई नहीं रहता, बहुत गिने चुने जो दूर रहते हैं ना, सबके घर बहुत पास ही रहते। अभी हम एक रिलेटिव के घर जाके आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं मम्मी के नानी के घर। जैसे लास्ट ईयर भी मैंने दिखाया था, कितनी एज होगी? चलो वाह। ये क्या था? रेनू बा गाना गा रही है नानी। कौन सा गाना गा रही है? पता नहीं, अंदर मोटा हो गया ना। मोटा नहीं होगा, लड़की है वो, मोटी होगी। खाना आ गया। गाड़ी में कंडो में है ना, सूखे चावल खा रहा है ना। मच्छी डाली है इसके अंदर? मीन मैनू मच्छी के जरूरत नहीं है ऐसे भी कर लेना। भूल जाते हैं ना नीच नहीं जल्दी। क्या कहा? नाम नहीं बताऊंगा। अच्छा, सारे देर बैठ रहे हैं, मतलब एक पल नीचे ना पुलारे बैठ रहे हैं। अभी चलावाली ले लेना, तनी लेना, बहुत बोलो तो कोई नहीं। वो किन की फोटो लगी है सामने? ये इनकी मम्मी है, नानी की मम्मी है। पहली वाली इधर वाली फोटो इनकी मम्मी है। अच्छा। नानी की मम्मी। अच्छा, ये इनका नाना। भाई मम्मी की बहन का बेटा है, वो भी मर गया। फोटो तभी के सारे लगाए हुए हैं। अच्छा, काफी पुरानी है ना। तो मम्मी कैसा रहेगा अगर मैं यहाँ पे किसी लड़की से शादी करूँ? तो बहुत बेकार रहेगा। क्यों? उसकी किस्मत, मतलब मेरी किस्मत खराब हो जाएगी ना? उसकी किस्मत खराब हो जाएगी। तो मेरे को जरा तंग कर रहे हैं मम्मी, वो क्या ये क्या, वैसे आजकल कोई कुड़िया सुनेगी नहीं। ओके, तो क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? कुछ सुनेगी नहीं तो बोलेगी। क्या सुनेगी नहीं तो बोलेगी? कुछ नहीं। रात में जाती यहाँ की गलियां सुनसान, ना कोई आता ना कोई जाता। जब मम्मी की शादी थी तब पापा इस घर में रुके थे, जब चंडीगढ़ से आए थे। वैसे भी दिख नहीं रहा है कि यहाँ कोई रहता नहीं, लाइट भी नहीं जली हुई। मम्मी शादी में वहाँ से कितने लोग आए थे? 10-10 लोग। और मास्टर की तरफ से 10-10, मतलब 12 लोग थे। मतलब 11 इधर से 22 से 10 इधर से 10 उधर से। तो एक दूल्हा दूल्हा भी तो होंगे, सारे मिलाके दूल्हा दुल्हन सब कुछ मिलाके। दुल्हन भी थी? 6-6 थे मेरे ख्याल। दुल्हन भी अपनी लेके आए थे वो? और नाइस, हमें भी लेके आनी पड़ेगी। तुम्हें पहले नौकरी तो करो। ओके, यहाँ पे सभी घर के डिजाइन सेम ही मिलेगा। और छोटे से एरिया बने होते हैं पर बहुत अच्छा बना होता है, कि
ऐसा नहीं कि बेफालतू में घटिया सा बना देते हैं, काफी अच्छे अच्छे घर बने होते हैं छोटे छोटे एरिया में भी।